तो हेलो गाइस, मैं युवराज सौरभ आप लोगों का एक बार फिर से ओपी स्टडी सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। तो दूसरी जो वीडियोस है हमारे वीवोस के सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है। जितने भी हमारे वीवोस के दिसंबर सेशन 2022 के स्टूडेंट हैं या फिर जून जुलाई सेशन 2023 के स्टूडेंट हैं या फिर आने वाले स्टूडेंट हैं, तो सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली। जैसे ही गाइस आपको पता होगा वीवोस का जो है एग्ज़ाम काफ़ी जल्द जो है होने वाला है, तीन तीन क्लास का एग्ज़ाम जो एक साथ होने वाला है। ऐसे में स्टूडेंट सब जो है अब एग्ज़ाम नज़दीक हो गया है, तो ऐसे में स्टूडेंट सब का जो एग्ज़ाम दिल की जो धड़कन है वो तेज़ हो गई कि भाई एग्ज़ाम नज़दीक हो गया, एग्ज़ाम कैसा आएगा, क्वेश्चन पेपर कैसे आएंगे, एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे कि हम बेटर करेंगे। क्योंकि आजकल गाइज क्या क्या होता है ना कि ओपन बोर्ड है, ओपन बोर्ड में भी अगर आप ठीक से नहीं लिखोगे तो बिहार बोर्ड आनंद किशोर सर के अंदर आ गया है, तो अच्छे से नहीं लिखोगे तो आपको मार्किंग नहीं मिलेगा, जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक मार्क्स कैसे मिलेंगे। तो एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, आप मेरी तरह जो है बिहार बोर्ड का टॉपर कैसे बन सकते हो, बोर्ड एग्ज़ाम में टॉपर कैसे बन सकते हो, 80-90% मार्क्स कैसे लाओगे, तो मैं आज वो सारे ट्रिक्स बताऊंगा जो मैंने फॉलो किए थे और मेरे जो है साइंस से जो 85% मार्क्स जो है बिहार बोर्ड में आए थे और बिहार बोर्ड का टॉपर हूँ मैं। तो मैं आपको बता देने वाला हूँ गाइस लास्ट का जो मोमेंट है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होता है, ठीक है ना। तो इसी में जो है अपने आपको जो है प्रूफ करना रहता है, ठीक है ना, इसी में पूरा कंसंट्रेट होकर के फोकस होकर के पढ़ाई करना रहता है। बोर्ड एग्जाम में देखो यार ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सारा कुछ मैं आपको टिक्स एंड ट्रिप्स बताने वाला हूँ, ठीक है, और कॉपी को कैसे लिखना है, एग्ज़ाम में क्या चीज़ें करना है जो आप दूसरे स्टूडेंट से बेहतर मार्क्स लाओगे, एग्जामिनर का जो है मतलब एग्जामिनर को अपने और जो अट्रैक्ट करोगे, अपने मतलब मार्क्स उसको देने पे मजबूर करोगे अपने कॉपी पे, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी मैं बताता हूँ कि एग्ज़ाम कॉपी कैसे लिखेंगे। देखो जब भी तुमको आंसर शीट पहले क्वेश्चन मिलेगा तो क्वेश्चन को पहले तुम्हारा 15 मिनट पढ़ने का रहता है, तो तुम वो 15 मिनट हवा में उड़ाते हो भाई, यार पढ़ो, पढ़ लोगे ना तुमको अंदाजा रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन मेरे को बेहतर आता है। तो उसको क्या करोगे, तुम्हारे दिमाग में बैठा रहेगा कितने क्वेश्चन मेरे को आ रहे हैं और कितने क्वेश्चन नहीं आ रहे, उसको मेरे को कैसे हैंडल करना है, तो 3 घंटा मेरे को कैसे करना है, तो वो पहले से दिमाग में तुम लोग क्रिएट करके रखो, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के। पढ़ोगे ही नहीं आने, फिर एक एक करके सीरियली नंबर दे रहे हो, अरे यार पढ़ लो पहले पूरा क्वेश्चन, देखो कि मेरे को 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उसमें देखो कि मेरे को कितने आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पहले उस 10 क्वेश्चन को लिखने का, सीरियली वाइज लिखने से तुमको अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। सही सही लिखोगे तब मिलेंगे तुमको, और सही सही मतलब कहने का मेरे को मतलब है शुरुआती समय जो होता है ना 1 2 3 4 5 पन्ना जो होता है उसमें अच्छे से आंसर लिखो, काट खोट मत करो, हैंड राइटिंग बना के लिखो, जितना धीरे से हो के लिखो, बीच में तुम थोड़ा फास्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे एग्जामिनर मार दे रहता है, अब बहुत सारा कॉपी रहता है तो जल्दी जल्दी चेक करता रहता है, ये सारी चीज़ें। तो क्या करो शुरुआती जो पन्ना होता है 3-4 उसमें अच्छे से हैंड राइटिंग बना करके लिखो, जो सही से तो फिगर अच्छे से बनाओ एकदम आर्ट से, तो ये एग्जामिनर का माइंड एकदम पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और तुम बीच में गलत भी लिखो तो वो नंबर मिलेंगे मिलेंगे, मैंने ऐसे ही किया था, मैं ऐसे ही टॉपर बनाऊँ, ठीक है। और मैंने बस 1 2 3 महीने पढ़े थे लास्ट के, उसी में मेरे को अच्छे मार्क्स आए थे, फिर मैंने हवा में उड़ाया था, ठीक है, लेकिन पढ़े मैंने रेगुलर, ऐसा नहीं है मैंने पढ़े नहीं थे फिर भी, लेकिन लास्ट के टाइम में मैंने बहुत अच्छा मेहनत किया था और रिवाइज नहीं। ये देखो यार कुछ अलग करोगे ना, स्मार्ट वर्क करोगे तभी सक्सेस हो पाओगे, ऐसे थोड़ी अगर दिमाग का यूज़ हमेशा तुम दूसरे के दिमाग पे कितना डिपेंड रहोगे दूसरे के भरोसे, तो अपना दिमाग खोपड़ी का इस्तेमाल करो, प्रेजेंस माइंड होता है हर गेम में, ठीक है ना, आगे बढ़ने का, तो ये सक्सेस करने का, ये सारी चीज़ें। तो मैंने तुमको ये बता दिया ऐसे तुम लिखोगे, और पेंसिल अच्छे से पेन देखो लिखो फिको पेन लेके जा रहा बोलता है, अबे यार बेवकूफ़ हो गया, अच्छा पेन लेके जाओ एग्ज़ाम में, कम से कम 10 20 50 जो भी एग्ज़ाम ही है ना अच्छे से लिखोगे तो उससे भी तुम्हारे स्पीड और स्किल्स बढ़ते हैं, हैंड राइटिंग में अच्छी आती है। अब तुम लिखो फिगो उसमें क्या तुम लिखोगे यार, वैसे मरा हुआ पेन रहता है, उसका कलर भी बेकार रहता है, मज़ा ही नहीं आता एग्ज़ाम देने में, तो वही बात, अरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन बैंक हम लोगों ने दिए हैं, तो बार बार उसको बनाते जाओ बनाते जाओ, क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं, सारे क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं, कॉन्फिडेंस तुमको वहीं से मिलेगा। तुम डेली जो है एक सेट बनाने का कोशिश करो, मतलब ये एक टॉपिक तुम उठा ले रहे हो भाई, एनसीईआरटी का बुक पढ़ रहे हो, चलो ऐसा थोड़ी ऐसा मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है वो सब करने का,
क्वेश्चन बैंक उठाओ, उसको बनाना स्टार्ट करो, उसके बाद देखो हमसे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहाँ तक हम पहुँचे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करो, लास्ट टाइम में मैथ के जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करो, एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसको सॉल्व करो, आलतू फालतू की चीज़ें नहीं, एक चैप्टर बुक का उठा करके बैठ जाओ, करते हो कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा तुमको, क्योंकि यहाँ पे तुमको एग्ज़ाम देना है, सारा चीज़ कवर करना है, तो तुमको दो चार क्वेश्चन बनाने से किसी टॉपिक का ट्रिगोनोमेट्री का कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, फॉर्मूला को ना चार्ट के रखो, ठीक है, लास्ट टाइम में डेली जो है 1 घंटा फॉर्मूला रिवाइज करने पे दिया करो, फॉर्मूला से ही तुम्हारे सारे कुछ कॉन्फिडेंस आएंगे, जब तक फॉर्मूला नहीं याद रहेगा मैथ का एक भी प्रॉब्लम तुमसे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, तुम्हारे नंबर कम आ जाएंगे, पेंसिल लेके जाओ, पेंसिल हमेशा लेके जाओ, जहाँ पे तुमको फिगर बनाने का काम आ रहा है तो वहाँ पे फिगर बना के आंसर देने का कोशिश करो, अच्छे से बनाओ, ठीक है, देखो तुमको कैसे नहीं मिलते, मेरे को फुल में से फुल मार्क्स मिले थे मेरे को, इस तरह से मैंने मेरे एग्ज़ाम में जो है ये गॉस लॉ वगैरह पूछे गए थे, किरचॉफ्स लॉ वगैरह पूछे गए, ये मतलब बोर्ड एग्ज़ाम में जब दे रहा था उस टाइम में, मैंने बता रहा हूँ मैं, और हम लोग एग्ज़ाम में भाई टाइम में एग्ज़ाम टफ़ होते थे, अभी 3-4 साल पहले बहुत सारे ज़्यादा टफ हुआ करते थे एग्ज़ाम, ठीक है ना, अभी तो बहुत ईजी होते हैं, अभी तो बहुत ईजी होते हैं, सब कुछ पता रहता है, 50-50 ऑब्जेक्टिव रहते, बहुत सारे एग्ज़ाम इजी रहते हैं बिहार बोर्ड के, तो पहले ऐसे थोड़ी थे, तो ये सारी चीज़ें तो मैंने तुमको बता दिया, तुमको जो है फॉर्मूला मतलब लिख करके डराइव कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो अपने शब्दों में, ज़्यादा चोरी चिट्टा पुट्टा मत लिखो, चिट्टा पुट्टा से लिखोगे तुम कितना लिख पाओगे यार, नहीं दे पाओगे, अपने मन से लिखो, देखो एग्ज़ामिनर जो है ना चेक करता रहता है, देखता है वो, अरे पकड़ लेगा, कितना भी तुम चोरी करके लिखोगे चिट्ठा लेके लिखोगे तो उसका लैंग्वेज अलग होता है, हम जो अपने तरफ से जो आंसर देते हैं ना उसका अलग, दोनों देखा ना लिख के बहुत फ़र्क मिलेंगे, टॉपर कैसे बन जाता है वो अपने हिसाब से लिखता है, वो चेक करता है तुम अपने से लिख रहे हो तुम्हारे में कितना टैलेंट है, तो कुछ चीटिंग वगैरह कर सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन आंसर जो है ना अपने हिसाब से बनाने का सीखो, ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम में देखो भाई 100% तुम सेम टू सेम नहीं भी उतारोगे, तुमको मिल जाएगा उससे रिलेटेड लिखने का कोशिश करो, ठीक है ना, लिखने रिलेटेड रिलेटेड मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, उससे रिलेटेड जवाब देने का कोशिश करो, तो ये सारी चीज़ है तुम्हारे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, ओके, तुम जो है जो क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं 3-4 साल बनाओ तुमको अंदाज़ा लग जाएगा कहाँ से कौन से टॉपिक से, बोर्ड एग्ज़ाम जो है ना बार बार रिपीट करता है क्वेश्चन, ठीक है ना, 1-2 साल का रिपीटेड रिपीटेड क्वेश्चन बोर्ड मैंने देखा है, बोर्ड एग्ज़ाम में क्या करता है ना वही क्वेश्चन 2 साल के बाद उठा के पूछ देता है, तो वही तो तुम वो जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होता है ना वो ज़्यादा उसको पढ़ने की कोशिश करो, क्वेश्चन उसी के हिसाब से पूछे जाते हैं, समझ गया ना, ये सारे ट्रिक्स फॉलो करो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, तो वही बात है, अच्छा स्टूडेंट हो अच्छी तरह सारा कुछ करो, पढ़ाई लिखाई कॉपी पेन पे खर्चा करो, ठीक है ना, अच्छी अच्छी चीज़ें यूज किया करो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, चलो गाइस मैंने आपको बता दिया इन, मेरे को लगता है कि आप ये चीज़ें फॉलो करोगे तो आपको ज़रूर बेटर होगा, देखो यार और एक चीज़ मैं बता देने वाला, शाम हो गया क्या यार, एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, तो मैंने तुमको बता दिया, देखो और एग्ज़ाम 16 तारीख 16 अक्टूबर को है, एडमिट कार्ड अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आएगा, और 3 सेशन के एग्ज़ाम है, तो बहुत भीड़ रहने वाली है, ठीक है ना, इस बार एग्ज़ाम तो अपना देखना मैनेज करना, और एक दिन में एक ही एग्ज़ाम रहेगा, अच्छे से खाना पी के पहले से मतलब अभी से टाइट हो जाओ ना, अभी से देखो एग्ज़ाम में क्या होता है ना बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और तुम यार तुम अंदर से ही वीक हो, स्ट्रांग नहीं हो, मरे हुए हो, तो क्या एग्ज़ाम दोगे तुम, तो ये सारी चीज़ें अपना फिटनेस भी रखना पड़ता है ना, ज़्यादा देर तक टिकने के लिए फिटनेस पे ध्यान दो, ठीक है ना, दूध केला जो भी है नार वगैरह जो खा सकते हो, रनिंग करो सवेरे सवेरे, शीर्षासन करो, हेड स्टैंड करो मेरी तरह, 5 मिनट 10 मिनट डेली करो, ठीक है ना, तब देखो मेरी तरह फिट रहोगे तभी तो यार अच्छे करोगे एग्ज़ाम में, तो फिट भी मैं फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ, तो फिटनेस देखो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप पढ़ाई अच्छा करना चाहते हो कुछ भी चीज़ में अच्छा करना चाहते हो फिट, अपने आप बॉडी को फिट बनाओ, ठीक है, ये सारी चीज़ें, फिट रहोगे तो हिट रहोगे, सारे काम अच्छे से कर पाओगे, तो चलिए गाइस बहुत ज़्यादा लेक्चर दे दिया इस वीडियोज़ में मैंने, ठीक है, मोटिवेट भी मैंने कर दिया, अब ये सारा चीज़ फॉलो करके तुम्हारे एग्ज़ाम में, अगर वीडियो को लास्ट में देख रहे हो ना पूरा देख लो, तुमको बहुत काफ़ी अच्छा नॉलेज मैंने दे दिया, ठीक है, चलिए गाइस मैंने आपको बता दिया, ये बात फॉलो करोगे तो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर अच्छे मार्क्स आएंगे, टॉप पर आओगे, 80-90% मार्क्स जरूर आएंगे, इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहो, एग्ज़ाम नज़दीक है, अगर कोई प्रॉब्लम्स है नहीं है तो मेरे को मैसेज करो, ठीक है, मैं अगली वीडियोज़ में उसको कवर करूँगा, और जो जो मैंने किया उसको जाकर के पढ़ो, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर बेहतर मार्क्स आएंगे, कुछ भी अगर देखो जो भी डाउनलोड करना हमारे वेबसाइट के थ्रू जाओ, एडमिट कार्ड जो भी आएगा हम लोग बताएंगे आपको, ठीक है, आप लोग अपने काम पे ध्यान दो, पढ़ाई पे फोकस करो अभी, ठीक है।
और चीज़ भूल जाओ यार, कितना टेंशन लोगे तुम लोग, ये वगैरह एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, तो वो सारी चीज़ें छोड़ो, वो टाइम पे होगा अपने। तो चलिए गाइस, उम्मीद करते हैं आज की वीडियोज़ काफ़ी पसंद आई। वीडियो पसंद आई वीडियो कर दीजिए लाइक शेयर, ताकि वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहे। मिलेंगे फिर नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।